तो आज जो वीडियो है ये जैसे कि हर बार स्पेशल वीडियो होती है हमारी, हर वीडियो में एक नया बोर्ड लॉन्च करते हैं, तो ये आया है स्पेशल डीजे वालों के लिए, जिनका भी डीजे काम है, जो एम्पलीफायर बनाते हैं, ये जो बोर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, जिससे कि वो ज़्यादा बेस बजा सकें। जैसे 1000 वाट की बेस होती है, 2000 वाट की बेस होती है, तो ये बड़े एम्पलीफायर के लिए होता है ये जो बोर्ड है। ये जो बोर्ड है इसका जो आउटपुट है ये देता है 1500 वाट मोनो चैनल पर, मतलब 1500 वाट मोनो ये बोर्ड होने वाला है। इसमें जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ओरिजिनल ऑन कंपनी का NJW 281 NJW 302, ठीक है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस ट्रांजिस्टर है, और इसमें जो ट्रांजिस्टर की जो पेयर लगी हुई है वो आपको गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पेयर है। 12 पेयर मतलब ये वैसे 2 ओम पर अगर इसको आप चलाओगे तो 1800 वाट तक ये देता है एक बोर्ड, ठीक है। तो 1800 वाट अगर आपको इसमें चाहिए तो आपको देना पड़ेगा अच्छा ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर लगाओगे तभी बोर्ड आउटपुट देता है, क्योंकि जब पीछे से अच्छा करंट नहीं आएगा, पीछे से अच्छा उसको वॉइस नहीं मिलेगा, तो पीछे से दम नहीं मिलेगा तो ये आगे आउटपुट कैसे देगा। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा अच्छा ब्रांडेड ट्रॉयडल जो कि है एमवी कलेक्शन का, ठीक है। क्योंकि ट्रॉयडल बेचने वाले, अभी मैं ट्रॉयडल की एक बार और सच्चाई खोलूंगा छोटी सी कि ट्रॉयडल में कितना फ़र्क होता है। तो ये जो बोर्ड है इसकी बात करते हैं चलता कैसे है, तो इसमें कनेक्शंस बता देता हूँ। ये जो लगी हुई है 2 बास्केट लगी हुई है जिसमें लगता है फ्यूज़, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर ही फ्यूज़ दे दिया जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कभी भी, ठीक है। ये आपको बोर्ड के लिए फ्यूज़ दे दिया, यहाँ पर लगता है फ्यूज़, अंदर 2 फ्यूज़ लग जाएंगे। ये माइनस है, ग्राउंड है, प्लस है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो आप इसमें 60/60 70/70 ट्रॉयडल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखेंगे रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर देना है आपको 0/12 AC करंट, जी हाँ 0/12 AC करंट देना है आपको। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है, जो इसकी स्पीकर प्रोडक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है क्लिप नहीं है, इसमें है पावर सिग्नल प्रोटेक्ट, ठीक है। 3 LED लगी हुई है जो कि आपको सामने मिलती है कैबिनेट में, तो इसको आप हमारे कैबिनेट के साथ जो 4000 वाट वाला कैबिनेट है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रॉयडल लगाना पड़ेगा अच्छा, क्योंकि ये बोर्ड है हैवी, तो इसके लिए हर चीज़ हैवी करनी पड़ती है। तो बाकी इस बोर्ड की बात करें तो जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। NJW का आपको पता है कि 150 वाट का एक पेयर होता है, एक पेयर 150 वाट तक देता है आउटपुट। तो हम तो कोई फालतू नहीं बोलते हैं, जितना इसका वोल्टेज है कि हाँ भाई इतना वोल्टेज ये लगभग निकाल देता है, हम ज़्यादा नहीं बताते हैं। बाकी 2 ओम पर 1800 वाट तक ये आपको बोर्ड जो है आउटपुट देने वाला है, ये क्लास AB बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन करके रखे हुए हैं एक बोर्ड के, जहाँ पर इधर यहाँ पर फ्यूज़ लगे हुए हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ग्राउंड जो भी इसकी सप्लाई है वो हमने AC मतलब DC में कन्वर्ट करके दे रखे है। ट्रॉयडल के जो AC सप्लाई है यहाँ से देखेंगे आप, ये ट्रॉयडल है हमारा, यहाँ से जो AC सप्लाई है वो आ रही है यहाँ पर DC कन्वर्ट होकर, जो वायर्स है प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, ग्राउंड का ग्राउंड में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर में भी प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये रहा माइनस वाला स्पीकर पॉइंट, और इस साइड है प्लस वाला। तो दोनों आपको कनेक्टर लगाने हैं और बोर्ड जो है आपका रेडी है। यहाँ पर हमने 0/12 दे रखा है जो कि ट्रांसफार्मर से ही दे रखा है, और यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके कनेक्शन कर रखे हैं। तो जुंजल कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जुंजल 10100। अभी हमने 4 कैपेसिटर लगाया है, लेकिन आप बड़ा एम्पलीफायर बना रहे हैं, 2 बोर्ड लगा रहे हैं, तो आपको 6 या 8 कैपेसिटर लगाने चाहिए इसमें, जो कि सफिशिएंट रहेंगे इस बोर्ड के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर की। तो ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। जो ये है ये वो है जो अदर ब्रांड बेचते हैं, अदर ब्रांड क्या जो गली गली के लोग जो बेच रहे हैं ऑनलाइन, वो ये वाला ट्रॉयडल होता है। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया ट्रॉयडल है ये, इसको बोलते हैं 15 एम्पियर, लेकिन ये होता है सिर्फ 6 एम्पियर या 8 एम्पियर, इससे ज़्यादा ये कभी दे ही नहीं सकता, चाहे इसमें कितनी भी मोटी तार लगा लो, और तार की बात करें तो इसमें मोटी तार लगी ही नहीं सकती। सेकंड चीज़ ये है एमवी कलेक्शन का कॉपर का ट्रॉयडल, जिसका साइज़ का आपको फ़र्क दिख रहा होगा, आप देखेंगे तो साइज़ का फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। और वायर जो इसमें लगी हुई है एक बार पास से देखेंगे, जो वायर इसमें लगी हुई है वो एक बार देखिए, और जो इसमें वायर लगी हुई है वो देखिए, ये कहाँ से 15 एम्पियर देगा, ठीक है। तो लोग सस्ते चक्कर में इसको खरीद रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो ट्रॉयडल है ये है सिंगल सप्लाई में, सिंगल सप्लाई मतलब ये है 55055 ट्रांसफार्मर 20 एम्पियर का, ठीक है। ये होता है 20 एम्पियर, इसमें निकलेगा 20 एम्पियर, इसमें कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डुअल सप्लाई, तो आपको तीनों में फ़र्क दिख रहा होगा। ये ट्रॉयडल देखिए कितना बड़ा और कितना हैवी, 12 किलो के आसपास का पीस है, और इसको आप जब यूज़ करेंगे, इसको जब आप यूज़ करेंगे तब आपको चलेगा पता कि क्या होता है। ये 25+25 एम्पियर का ट्रॉयडल है, आप देखो इसका, इसमें फ़र्क देखिए दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आप ऊपर से देखेंगे, इसके बगल में रख देता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन आपको लोग पागल बनाकर, कुछ लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको दे दिया जाता है। तो डुअल सप्लाई ट्रांसफार्मर खरीदना है या आपको अच्छा एम्पलीफायर बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एमवी कलेक्शन का ट्रॉयडल लगाओगे तभी अच्छी आवाज आएगी, क्योंकि आपका पागल बनाया जा रहा है कि एम्पियर ये पूरे देगा, लेकिन एम्पियर आपका देता नहीं है। ये होता है असली ट्रॉयडल, ठीक है। आपको इसमें वायर भी दिख रहा होगा, कितना सारा वायर लगा हुआ है, क्योंकि चीज़ ही अलग है, तो अलग ही चीज़ जो होती है वो अलग ही दिख जाती है। ये वाला ट्रॉयडल खरीदना बंद करो, कोई भी आउटपुट आपका आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा, और जल्दी से ये खराब भी जाएगा। ये जो ट्रॉयडल हैं ये होते हैं जिनको कहते हैं ट्रॉयडल, ठीक है। तो अभी ये जो बोर्ड है इसका हमने पावर ऑन कर रखा है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा इसका साउंड आउटपुट टेस्ट करा देते हैं हम। बाकी जो हमने ब्लूटूथ से चलाया है, ब्लूटूथ से मत चलाइए, जो भी बड़े बोर्ड होते हैं
इनको चलाइए आप मिक्सर से, मिक्सर से चलाएंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मिक्सर ही होता है एम्पलीफायर जो यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इनका जो आउटपुट होता है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, डीजे के लायक नहीं होता है। तो अगर आप डीजे में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिक्सर ही लगाना पड़ेगा, मिक्सर से ही मज़ा आएगा, या फिर हमारी जो मिड बेस ट्रेबल है मिड बेस ट्रेबल के साथ बजाएंगे तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा, क्योंकि जो इनको इनपुट चाहिए होता है वो मिक्सर के लेवल का चाहिए होता है, जो कि मिक्सर ही दे पाता है या फिर हमारा जो मिड बेस ट्रेबल बोर्ड है वो दे पाता है, क्योंकि इसमें चलने हैं बड़े स्पीकर। अब चलते हैं इसकी तरफ, इसमें हम चलाते हैं सॉन्ग, कोई सा भी हम आपको एक सॉन्ग चला कर दिखाते हैं, थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा, बाकी जब तक आप इसको खरीदोगे नहीं आपको अच्छा मज़ा नहीं आएगा, ऐसे देखकर पता नहीं चलता है कि बोर्ड में कितनी पावर है। तो ये बोर्ड आज हमने लॉन्च कर दिया है, अभी ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, अभी हम करा देंगे, नीचे लिंक दे देंगे फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप से बाय करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल जेन्युइन और 100% गारंटेड माल जो है वो पहुंचेगा। तो अब हम इसमें एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको साउंड का अंदाज़ा लगा देते हैं, क्योंकि इसका इसके लिए इसको चलाने के लिए बेस चाहिए, बड़े बड़े स्पीकर चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 12 इंच का टावर लगा रखा है। तो अब हम इसको प्ले कर देते हैं एक बार, ये कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर देंगे हम। अब आप इसका जो आउटपुट है जब वो आप देखेंगे, जब आपको चलेगा पता, यहाँ पर देखिए सिग्नल की जो LED है वो चल रही है, जैसे जैसे इसमें सिग्नल जा रहा है, तो अब आप इसकी एक बार क्लैरिटी से, तो मुझे लगता है आपको अंदाजा लग गया होगा इसके आवाज़ का थोड़ा बहुत, बाकी जब आप इसको खरीदोगे अपने आप चलाओगे तभी आपके कानों को भरोसा होगा कि इसका जो आउटपुट है वो कितना ही अच्छा है। तो मैं हिसाब से एक बात कहूँगा, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ MV कलेक्शन का लेना, तब भी आपको चलेगा पता, दोनों बोर्डों को साइड रखो, साथ में रखो और कंपेयर कर लो किसी भी बोर्ड से, तब आपको चलेगा पता कि क्या ही क्वालिटी MV कलेक्शन देता है, या क्या ही जो ट्रांसफार्मर होते हैं या कोई भी इसका जो सामान होता है। MV कलेक्शन का साफ देखना, यहाँ पर प्रिंट होगा हर बोर्ड पर MV कलेक्शन, वही जेन्युइन चीज़ है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, बोर्ड अगर पसंद आया हो तो बोर्ड जरूर शेयर करना, सबको दिखाना, सारे जितने डीजे वाले भाई हैं सब खरीदने वाले हैं, बोर्ड भी खरीदिए, इसके साथ कैबिनेट भी अवेलेबल है, कैबिनेट भी खरीदिए, और जो भी सामान अंदर लगता है वो सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और जो ट्रांसफार्मर है वो यही है असली, आप देखेंगे ये जो चीज़ है यही असली ट्रांसफार्मर है, इसको ही कहते हैं ट्रोडल ट्रांसफार्मर, ये तो गरी के गोले हैं, इनको हम गरी का गोला कहते हैं, इसलिए हम इसको सेल ही नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और नीचे लिखना मत भूलना I love MV कलेक्शन, जिससे लोग और जलें जो जलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बोर्ड खरीदना है तो व्हाट्सएप करें जल्दी से, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये बोर्ड मिल जाएगा, और जो स्टॉक है वो पूरा रेडी रहता है हमारा, कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद मिलेगा बोर्ड का, ठीक है। एम्पलीफायर कभी कभार लेट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसको ये बोर्ड अगर आप बाय करेंगे 3 दिन के अंदर आपके घर पर पहुँच जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर COD भी मिल जाएगी, COD भी अवेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वालिटी एक नंबर है। तो अगर ये बोर्ड खरीदना है तो व्हाट्सएप करें और वीडियो को लाइक करना।